ओम शांति। आज 15 जुलाई 2019 बाप दादा की साकार वाणी। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है कि अगर मुरली हमारी मिस होती है, माना मुरली से प्यार नहीं है, और मुरली से प्यार नहीं माना मुरलीधर बाप से प्यार नहीं। बाबा प्रश्न करते हैं, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर, वॉइसलेस बनना, यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशियस अर्थात विकारी है। विशियस माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया स्थापन करने। वॉइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। इसलिए आज लोगों के पास में देखो, PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं विकारों के ऊपर, तो लंबी बहुत बड़ी लिस्ट, कई पेजेस की मोटी मोटी बुक्स बन जाती है कि गुस्से से ये प्रॉब्लम होती है, ये विकार से ये तकलीफ होती है। सब कुछ जानते हुए भी चेंज नहीं आ सकता है। कारण क्या है कि योग की शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं, याद से ही हमारे कैरेक्टर सुधरते हैं। देखिए, वैसे भी सबसे ज़्यादा आज मनुष्य को 3 रिश्ते दुनिया में प्रिय होते हैं, जिसके आधार पर वो आगे बढ़ते हैं, बाप, टीचर और गुरु। तो बाबा कहते हैं, मैं एक ही हूँ जिसमें ये तीनों के तीनों संबंध आपके जुड़ जाते हैं। इसलिए इस यूनिवर्सिटी को बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि तीनों ही बाप, टीचर और गुरु हमें इस दैवी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? कैरेक्टर्स को सुधारना, अर्थात कि वॉइसलेस बनाना। बाबा कहते हैं कि विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप आए हैं। एक बेहद का बाप है जो हमें पढ़ा रहे हैं सबसे ऊंचा बनाने के लिए, परंतु वो कुछ भी स्वयं स्वीकार नहीं करते। जो कुछ अभी भी देते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए है, और इसका आगे प्रारब्ध भी हमें ही मिलना है। बाबा सब कुछ हमारे लिए लुटाने आया है। एक जन्म सिर्फ हम अपना सफल करते हैं तो 21 जन्म की बादशाही, 21 जन्म के लिए वॉइसलेस दुनिया में सुख की भासना करते हैं। बाबा कहते हैं, अभी हमारा मुख्य काम है 7 रोज का कोर्स सबको पढ़ाना है, जो भी आवे, जिसको भी, बाबा कहते हैं आपका मित्र हो, संबंधी हो, जिसको भी आप ज्ञान सुना सकते हैं उन्हें जरूर दो। अंत में किसी का उलहना ना रहे ना कि आपको तो पता था भगवान आए हैं परंतु हमें बताया नहीं। इसलिए कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में हमें ये भी युक्ति दी कि कैसे समझाना है उनको, डायरेक्टली ऐसा ना कहे कि भगवान आ गए हैं। पहले दो बाप का परिचय, लौकिक और पारलौकिक बाप का परिचय दे, फिर हम बाबा का परिचय दे उनको, तब ज्ञान बुद्धि में बैठे। बाबा कहते हैं, जब आरंभ में बाबा आए थे 1936-37 के दौरान, उस समय कोई 7 रोज का इतना अच्छा कोर्स डेवलप नहीं हुआ था, परंतु फिर भी भट्टी में सभी घंटों बैठ जाते थे। अब कहते हैं, अभी भी जो भी आते हैं उन्हें ये 7 रोज के कोर्स की भट्टी में बिठाओ, बुद्धि इधर उधर चले जाती है, या एक दिन आते हैं फिर 4 दिन नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं, उनसे फॉलो अप लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आते हैं। तो कोई प्रश्न हो तो वो हमें सॉल्व भी करना है, हम नहीं कर सकते तो बड़ों के द्वारा कराए। बाबा कहते हैं, अभी केवल 2 ही अक्षर याद रखे, मन मना भव अर्थात मुझे याद करो, और सारे चक्र को याद करो। मध्याची भव माना मध्य में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो विष्णु चतुर्भुज अर्थात विष्णु कैसे बने, यहाँ ही याद से बने, और विष्णु है ही कंबाइन स्वरूप लक्ष्मी नारायण का। तो स्वदर्शन चक्र को याद करो और एक बाप को याद करो, तभी आत्मा पवित्र बनती है। 100% एकदम
प्योर बनती है केवल सोल कॉन्शियसनेस स्थिति से। तो ये वॉइसलेस वर्ल्ड से अभी हमें वॉइसलेस वर्ल्ड में अभी हमें जाना है जहाँ पे देवी देवताओं का राज्य थे। तो ये जो विशियस वर्ल्ड है ना, इसको हमें अभी छोड़ना है। ये दुनिया कैरेक्टरलेस है, बाबा कहते हैं कि सभी विकारी है ना, केवल बाप की याद से ही निर्विकारी वॉइसलेस बन सकते हैं। आज धारणा के लिए पहली पॉइंट, हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। यह बात सबको सुनानी है, अलफ और बे की पढ़ाई पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। जो बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं, पढ़ाते हैं, ये ज्ञान है। और बाबा कहते हैं ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या है, विज्ञान, क्योंकि अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी है ना, मेडिटेशन, योग। जितना हम बाबा को याद करते हैं, सूक्ष्म रूप में हमारे विकार भस्म होते जाते हैं, आत्मा प्योर बनती है, निर्विकारी बनती है, और हमारे कैरेक्टर सुधरते जाते हैं, अर्थात दैवी गुण आने लगते हैं। चलें आज बाबा के वरदान को स्वीकार करें, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं है, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। तो चले आज के वरदान पर बाबा के पास उड़ चले। मैं आत्मा, प्रकृति जीत, अति तेजोमय सूक्ष्म सितारा, मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। उड़ चलती हूँ अपने प्यारे घर शांति धाम में, गोल्डन रेड वर्ल्ड में, सभी आत्माओं को क्रॉस करते हुए सबसे ऊपर अपने प्यारे पिता मीठे शिव बाबा के बिल्कुल सम्मुख। मैं प्रकृति जीत आत्मा, प्रकृति पति शिव बाबा से अनेकानेक शक्तियों की लाल किरणें ले रही हूं। जैसे जैसे शक्तियों की ये किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है, मेरी सारी सूक्ष्म हलचल, सारे सूक्ष्म आकर्षण भस्म होते जा रहे हैं। मैं आत्मा योगी एवं प्रयोगी हूं। साधना युक्त हूं। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं।
बाबा से सर्व शक्तियों को धारण करके मैं आत्मा अपने मीठे बाबा को दिल से शुक्रिया कहती हूँ और लौट आती हूँ परम धाम से पुनः इस साकार दुनिया में अपने स्थूल शरीर में प्रकृति जीत अवस्था में। ओम शांति।